नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा कालीन सामाजिक व्यवस्था। यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में एक सिनॉप्सिस है। सिर्फ हड़प्पा काल में नहीं, अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो ये आपका मध्यकाल तक काम आएगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था कभी भी चेंज नहीं होती। सामाजिक संगठन पॉइंट वही रहेगा, वेशभूषा रहेगा, भोजन रहेगा, आमोद प्रमोद के साधन रहेंगे, औषधियाँ या फिर कोई और सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था कभी चेंज नहीं होगी, कुछ थोड़ी बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए हमें इन मुख्य मुख्य बिंदुओं को याद रखना है। ये बार बार लिखाने और बार बार याद करने के योग्य नहीं है, एक ही बार पढ़ने और समझने लायक है, और कुछ माइनर सा अंतर करके इसे आप हर क्वेश्चन में उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो हड़प्पा के लिए हो या वैदिक सभ्यता के लिए हो या गुप्तकाल हो या मौर्य काल हो या फिर मध्यकाल हो, कोई भी। तो आप ये चीज़ बहुत ही आसानी के साथ पढ़ें और समझदारी पूर्वक देखें। तो आइए चालू करते हैं हमारे ये वीडियो। ये है हड़प्पा कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसे हमने 5 वर्गों में बांटा है, जो कि अभी के 2019 PSC के मेंस के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं सामाजिक संगठन। यहाँ पर जातियाँ नहीं थी, जिस तरह वर्तमान में जातियों के बारे में है कि 4 वर्ण हैं जो कि जन्म आधारित हैं, मगर तब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें बुद्धिजीवी, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग आते थे। ठीक है, मार्टिन व्हीलर के अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग में पुरोहित, चिकित्सक, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया जो कि अभिजाति वर्ग थे और ज्ञान के सागर थे अपने आप में कहा जाए तो। इसे हम देखते हैं वेशभूषा में। तो वेशभूषा में जानते हैं आज ही नहीं, पुरातन काल से स्त्री पुरुष दोनों को ही वेशभूषा से बहुत अधिक लगाव था। कमर के नीचे पुरुष धोती पहनता था और कमर के ऊपर कंधे पर शॉल लेता था या दुशाला लेता था, जिसे आज के डेट में अंगवस्त्र कहा जाता है। इसी तरह स्त्रियों के बारे में है, स्त्रियां घाघरा और साड़ी आदि वस्त्र पहनते थे। तो हम देखते हैं भोजन। हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी में जहाँ वह गेहूँ, जौ, दूध जैसे शाकाहारी चीज लेते थे, इसी के साथ साथ सब्जियाँ विभिन्न प्रकार की, उनका भी उत्पादन करना सीख गए थे पशुपालन के बाद। इसी तरह हम देखते हैं कि मांसाहार में मछली और मांस दोनों का भक्षण करते थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। अब हम देखते हैं आमोद प्रमोद के साधन। तो किसी भी काल में आमोद प्रमोद के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और यह चीज़ याद रखने योग्य है कि आमोद प्रमोद के साधन जो हैं वह कालों में बहुत कम परिवर्तन होंगे, क्योंकि आमोद प्रमोद के साधन लगभग सेम से ही होते हैं सभी के। तो हम देखते हैं कि आमोद प्रमोद के साधन में पासा, शतरंज जिसे हम चौसर कहते हैं, इसके साथ लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमेशा से ही पुरातन काल से लोगों को शिकार बहुत अधिक पसंद था, हालांकि अब यह बैन हो चुका है। तो अब देखते हैं औषधियाँ। तो हड़प्पाकालीन लोग ना सिर्फ सामाजिक संगठन में मजबूत थे, हालांकि वो औषधियों का भी ज्ञान रखते थे। कहा जा सकता है कि वर्तमान की जो परिस्थिति है वह उन्हीं की देन है। तो हम देखते हैं मानवीय चिकित्सा का ज्ञान उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में भी प्राप्त था। शिलाजीत के प्रयोग के कई जगह साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ शल्य चिकित्सा का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि कालीबंगा से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें मानव खोपड़ी पे शल्य चिकित्सा के ज्ञान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो थी वह जातियों के आधार पर नहीं थी। ये चीज़ बहुत अधिक याद करने योग्य है, क्योंकि वैदिक काल और उसके बाद से जो है वह सामाजिक संगठन में बदलाव होगा, और ये अभिजाति वर्ग 4 वर्गों में विभाजित हो जाएंगे जो कि जन्म आधारित होने लगेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखते हैं अभी, तब तक के लिए नमस्कार।